हेलो गाइस, मैं हूँ काजल और आप देख रहे हो काजल की प्रेगनेंसी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के दौरान सर दर्द होना, आपकी एड़ियों में दर्द होना, आपकी कमर में दर्द होना, आपके पैर में दर्द होना और साथ में आपके पेट के निचले हिस्से में, मतलब कि आपके पेड़ों में दर्द होना, ये क्या संकेत देते हैं? क्या आप इसे जान सकते हो कि गर्भ में पलने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी? जी हाँ फ्रेंड्स, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी कुछ ऐसे दर्द थे फ्रेंड्स मुझे, जो 1 से लेकर 9 महीने तक मेरे साथ, पूरे 9 महीने तक वो बने रहे, जिसको देख के हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बोला करते थे कि तुझको बेटा होगा। फ्रेंड्स, आपके साथ भी ये बहुत सारे संकेत जो है वो मैच होंगे अगर आपके गर्भ में बेटा होगा। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक बने रहिएगा देखने के लिए, तभी आपको पता लग सकेगा कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, बहुत सारी महिला को ना ये जानने की जिज्ञासा होती है जब उनके पास 1 या 2 बेटी होती है, कि तीसरी संतान या दूसरी संतान जो है मुझे एक बेटा हो जाए और मेरी जो है वो फैमिली कंप्लीट हो जाए। तो वो कहीं ना कहीं से जानने की कोशिश करती है कि बेटे के कौन से लक्षण होते हैं, बेटी के कौन से लक्षण होते हैं। तो ये जिज्ञासा जो है वो हर एक महिला के मन में जो है पूरी 9 महीने की इस जर्नी में जो है वो बनी रहती है। ऐसी ही जिज्ञासा कुछ मेरे अंदर भी थी और कुछ आपके अंदर भी होगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको 50% या 80% तक पता लग जाएगा कि जो सिम्टम्स मेरे थे फ्रेंड्स, वही सिम्टम्स अगर आपके साथ मैच हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं 80% या 50% महिलाओं को जो है ना मेरे सिम्टम्स के दौरान ही बेबी बॉय हुआ भी है और आपने देखा भी है। फ्रेंड्स, मेरे पास मैसेज भी आते हैं, अभी मैं मैसेजों के रिप्लाई नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, उसके पीछे का भी रीज़न जो है मैं आपको बताऊंगी। मेरी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है और बताऊंगी और मैसेज के रिप्लाई भी करूंगी जब मुझे टाइम मिलेगा। बट आप मुझे कमेंट ज़रूर करते रहिए, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगी। तो चलिए फ्रेंड, वो जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान लड़का होने पे आपको कौन कौन से दर्द जो है पूरे 9 महीने की जर्नी में झेलने पड़ सकते हैं। तो उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। डेली अपडेट में आपको प्रेगनेंसी की, लड़के की, बेबी सिम्टम्स, बॉय की जो है लाती रहती हूँ। गर्भ में लड़का होने पे सबसे पहला सिम्टम्स ये होता है फ्रेंड्स कि आपके सर का दर्द पूरे 9 महीने तक बने रहना। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स ये सर दर्द ने मेरा बिल्कुल भी पीछा जो है वो नहीं छोड़ा था। और हमारे घर के बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, जो हमारे घर में बड़े होते हैं हमारे, वो यही कहते हैं कि लड़का जब होता है ना तो आपके सर में दर्द जो है वो हल्का हल्का बना रहता है, आपको कोई भी टेंशन नहीं है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो आंखों की रोशनी है वो भी ठीक है, आपका कोई भी चश्मा नहीं लगा हुआ है। तब भी अगर आपने जब से प्रेगनेंसी कंसीव की है और पूरे 9th मंथ तक अगर आपके सर में दर्द बना रहता है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं ये इशारा देता है कि आपके गर्भ में होने वाली आपकी संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। बट फ्रेंड्स, अगर आपको सर में दर्द हो रहा है तो आपको ये नहीं सोचना है कि लड़का होगा। पहले मैंने भी अपने पूरा चेकअप करवाया था सर का, कि सर में दर्द क्यों हो रहा है। जब मेरी सारी रिपोर्ट जो है वो नॉर्मल आई थी, उसके बाद मुझे पता लगा था कि सच में ये बेबी बॉय की तरफ इशारा करता है। ठीक है, दूसरी बात ये है फ्रेंड्स, जब आपके गर्भ में लड़का होता है तो आपका जो है ना उल्टा वाला जो पैर होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आपका पैर होता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा उसमें दर्द महसूस होगा और दर्द भी ऐसा होता है फ्रेंड जो आपको वो बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी जो है ना मुझे मेरे पैर में बहुत ज़्यादा धड़कन, एक गर्माश जो रहती ना वो, और पैरों में दर्द होना ये बहुत ज़्यादा होता था। और इसी को देख के मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं सुनती थी वीडियोस में कि बेबी बॉय की तरफ इशारा करते हैं, तो इसलिए मैं शांत भी रहती थी और अपने आप की केयरिंग भी करती थी। इसके बाद तीसरा पॉइंट ये आता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपकी एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द है तो आपको बेबी बॉय होने के बहुत ज़्यादा चांस है फ्रेंड्स। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान देखिए फ्रेंड्स, एड़ी में दर्द जो है ना, अगर 7वें 8वें 9वें महीने में हो तब तो हमें समझ में आता है कि हमारे बच्चे का विकास हो रहा है, हमारा वजन बढ़ रहा है, उसका भार जो है वो एड़ी पे पड़ रहा होगा, इसलिए जो है हमारी एड़ियों में दर्द हो रहा है। बट अगर जब से आपने प्रेगनेंसी कंसीव की है फ्रेंड्स, तब से ही आपकी एड़ियों में जो है
वो दर्द बना हुआ है फ्रेंड्स, तो कहीं ना कहीं इशारा देता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। फ्रेंड्स मैंने इसके ऊपर जो है डॉक्टर से भी राय ली थी कि मेरे पैरों में और घुटनों में एड़ियों में दर्द जो है वो इतना क्यों हो रहा है, तो उन्होंने मुझे यही बोला था जब आपके गर्भ में बेबी होता है तो आपको कैल्शियम की जो नीड है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, तो कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए जो है आपको मखाने, दूध और जो भी पनीर वगैरह होती है जो डेयरी के प्रोडक्ट होते हैं वो ज़रूर खाने चाहिए। तो मैं आपको ये राय दूंगी कि मैंने जो है ना मखाने खाए थे, और फ्रेंड टच वुड आज तक मेरे बच्चे को, अब फरवरी में जो है मेरा बेटा 4 साल का हो जाएगा, मुझे आज तक एड़ी में और पैरों में दर्द नहीं हुआ है। अगर आप अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कुछ अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपकी आने वाली लाइफ में जो भी दर्द होता है ना वो नहीं होता है। तो अगर आपको भी जैसे कमर में दर्द हो रहा है या फिर सर में दर्द हो रहा है, एड़ी में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, पैरों में दर्द हो रहा है, तो आपको मखाने जरूर खाने चाहिए और एक गिलास दूध शाम को, एक गिलास दूध सुबह जो है वो जरूर आपको पीना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स, जो हमारे घर के बड़े बुजुर्ग बहुत ही सटीक लक्षण बताते हैं वो ये है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी के दौरान 6 महीने के बाद जो है अगर आपके कमर के अंदर दर्द जो है वो बना हुआ है फ्रेंड्स, तो ये बहुत बड़ा लक्षण होता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेटा होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब 7वां या फिर 8वां मतलब कि 3rd trimester जब लगता है ना, तो कमर में दर्द होना जो है वो कंपल्सरी हो जाता है। इस टाइम पे हमारे बच्चे का विकास बहुत तेजी से होता है। बहुत सारी महिला जो है ना, मेरी बहुत सारी वीडियो बनी हुई है, अपनी कमर को लेकर जो है ना वो सीरियस नहीं होती है, बार बार मुझे कमेंट करती हैं कि दीदी कमर में दर्द हो रहा है तो हम क्या करें, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। मैंने बहुत बारी बताया है कि कमर में अगर आपके दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, तो आपको बेबी बॉय होने के चांस होते हैं, बट ये नहीं है कि अगर हमें बेबी बॉय है तो हम अपनी केयरिंग नहीं करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि कमर में दर्द सबसे ज़्यादा इसलिए भी होता है कि आपको लंबे समय तक जो है वो खड़े नहीं रहना है, और अगर आप कहीं पे ऑफिस वाली महिला हैं जैसे कि मैं बैठी हूँ फ्रेंड्स, तो आपको पीछे की साइड जो है अपने पिल्लो लगा करके जरूर बैठना चाहिए, और आपको पीठ के बल जो है वो नहीं सोना चाहिए, ठीक है। इसलिए जो है आपकी प्रेगनेंसी के दौरान कमर में ज़्यादा दर्द होता है और आपको पता नहीं लगता है कि कमर में दर्द मेरा क्यों हो रहा है, आपकी ही कुछ ऐसी लापरवाही होती है जो आपका कमर दर्द जो है ना वो लाइफ टाइम आपका बना रह जाता है फिर, ठीक है। तो इन चीज़ों से बचिए और कमर दर्द को जो है वो ठीक कीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि आपके अगर पेड़ों में दर्द है फ्रेंड्स, 7वें महीने की बात की मैं बात नहीं कर रही हूँ। देखिए 7वें महीने में पेड़ों में दर्द होना, आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होना, वो इसलिए होता है कि बच्चे ने जो है अपनी पोजीशन जो है वो चेंज कर दी है। बच्चे का भार जो है आपके प्राइवेट पार्ट पे पड़ रहा है, तो पेड़ों में दर्द होना कंपलसरी होता है। मगर आपके 4th, 5th, 6th महीने में अगर आपके पेड़ों में दर्द हो रहा है फ्रेंड्स, और पेड़ों की साइड मतलब कि पेड़ों का एरिया क्या होता है, नाभि के निचला हिस्सा, अगर वहाँ पर आपको हलचल महसूस हो रही है बच्चे की, और वहीं पे जो है आपको मीठा मीठा दर्द हो रहा है, और वो दर्द ना ऐसा है कि आप सहन कर पा रहे हो, आपने पोजीशन चेंज करी, आपने वॉक की और वो दर्द जो है ना बिल्कुल ठीक हो गया, तो आपको समझ जाना है कि आपकी जो बॉडी के ये संकेत है ना, ये एक तरह से बेबी बॉय की तरफ इशारा कर रहे हैं। जो मैंने ये चीज़ें बताई है फ्रेंड, सर दर्द होना, आपकी कमर में दर्द होना, ये बेबी बॉय की तरफ इशारा करते हैं, आपके पैरों में दर्द होना, आपके एड़ी में दर्द होना, जो मेरी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़्यादा सटीक थे वो ये मैंने लक्षण बताए हैं। अगर आपके साथ भी इस लक्षण हो रहे हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से लक्षण कौन कौन से महीने में हो रहे हैं, मुझे ये आप ज़रूर कमेंट करके बताना, ताकि मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बता सकूं कि आपकी आने वाली जो संतान है वो एक बेटा होगा या फिर एक बेटी होगी। फ्रेंड्स देखिए, हमारे मन में ना बहुत तरह तरह के सवाल चलते हैं पूरी इस 9 महीने की जर्नी में, तो आप मुझे अपनी YouTube की फ्रेंड समझ के, YouTube की बहन समझ के, कुछ भी समझ के जो है ना मुझे आप कमेंट ज़रूर कीजिए। मैं आपका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगी। अभी जो है रिप्लाई नहीं दे रही हूँ 2-3 दिन से, मैं मानती हूँ, बट अभी मैं बिज़ी हूँ। उस बिजी के पीछे का कारण भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊँगी कि मैं क्यों बिज़ी हूँ, मैं आपको जो है प्रॉपर टाइम पे जो है वो वीडियो क्यों नहीं लेके आ पा रही हूँ, इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। तो आई होप आप मेरी फीलिंग को समझेंगे और मेरी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार देंगे,
और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। जब तक अपना और अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, सेफ रहना, एंजॉय करना अपना प्रेगनेंसी को। धन्यवाद।